पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamualaikum, this is Dr. Monica, consultant gynecologist working at Civil Hospital Karachi and Altamir General Hospital Clifton, along with that Hilal Ahmed Hospital Clifton Karachi. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम विच इज़ कॉमनली नोन एज PCOS, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारा PCO डायग्नोज हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, लाइक 6-8% वुमेन में ये प्रॉब्लम पाई जाती है और इट इज़ प्रिवेलेंट इन ऑल यंग गर्ल्स अलॉन्ग विद वुमेन एंड चाइल्ड बियरिंग वुमेन। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स PCOS के बेसिकली होते हैं ओबेसिटी, वज़न का ज़्यादा होना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और फैमिलियल। अगर आपका कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री है PCOS की तो देन इट इज़ ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर द PCOS। सो PCO में क्या सिम्टम्स आते हैं जो पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, जिनकी कंप्लेन होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट एज और उनके कंसर्न पे। लाइक काफ़ी पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उसमें उनके लिए उनकी कंप्लेन होती है, हमें एक्ने हो रहा है, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, आगे से बिल्कुल बाल झड़ गए हैं, मुंह पे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर होना, दो दो तीन तीन महीने के बाद हमें पीरियड्स आ रहे होते हैं और जब आते हैं तो बहुत कम आ रहे होते हैं। तो और जो मैरिड वुमेन होती हैं अक्सर जो हमारे पास रिपोर्ट हो रही होती हैं उनकी कंप्लेन होती है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, लाइक इट लीड्स टू द सब फर्टिलिटी ऑल्सो। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली इसकी मैनेजमेंट जो हम कर रहे होते हैं डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, कि हमारे पास पेशेंट किस कंसर्न से आ रहा होता है। सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ द PCO। PCO एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक। इसको डायग्नोसिस इट इज़ नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेस्ट कि हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, हमारा PCO आया, वी विल डायग्नोज इट एज ए PCO। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके एक क्लिनिकल क्राइटेरियाज़ होते हैं, लाइक मोस्टली इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, उसमें जिसमें हम पेशेंट के सिम्टम्स पे को देख रहे होते हैं कि आइदर दे हैव द हर्सिटिज्म, एक्नी एंड ओलिगोमेनोरिया यानी मेंसेस का कम आना, और फिर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, जो 20-30% केसेस में हमें अल्ट्रासाउंड बता रहा होता है कि येस दिस इज़ द पेरीफ्रल, यहाँ पे फॉलिकल्स हैं और अल्ट्रासाउंड पे PCO की डायग्नोसिस हो रही है। डायग्नोसिस करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को कुछ हॉर्मोनल प्रोफाइल करा रहे होते हैं, बिकॉज इस मैंने आपको बताया दिस इज़ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर, तो इसमें हॉर्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, तो हमें हॉर्मोनल प्रोफाइल कराना होता है। हॉर्मोनल प्रोफाइल में बेसिकली हम थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, FSH, LH और अल्ट्रासाउंड करा रहे, अलॉन्ग विद डैट अल्ट्रासाउंड भी करा रहे होते हैं, और ये सारे टेस्ट ज़रूरी होता है कि सेकेंड डे ऑफ द पीरियड्स पे कराया जाए। PCO में अक्सर मेंसेस लेट हो जाते हैं, लाइक 2-3 मंथ्स के बाद आ रहे होते हैं, तो फर्स्ट हम उनकी विड्रॉल ब्लीड कराते हैं थ्रू मेडिकेशंस, और उसके सेकंड डे पे हम पेशेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये सारे हार्मोनल प्रोफाइल करा के आए फॉर द प्रॉपर एंड एडुकेट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द कंसर्न ऑफ द पेशेंट की जाती है कि वॉट इज़ द कंसर्न ऑफ द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट। अगर यंग गर्ल्स हमारे पास आ रही होती हैं और उनका कंसर्न है हर्सिटिज्म, इरेगुलर पीरियड्स, तो हम उनको वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं जिससे उनके पीरियड्स रेगुलर हों, उनके हेयर ग्रोथ कंट्रोल हो, एंड इट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, 6-9 मंथ्स उनको मेडिसिंस को इफेक्टिव होने में टाइम लगता है, सो इट नीड्स पेशेंस। PCO टू टाइप्स का होता है, वन इज एविडेंट इन थिन गर्ल्स एंड अदर इन फैटी गर्ल्स और ओबीज गर्ल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इज वेट रिडक्शन, वेट कंट्रोल थ्रू प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज। बिकॉज अगर आप अपना वेट कंट्रोल करते हैं थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट, तो 5% केसेस में ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, आपके एक्नी और दूसरे मसले हल होना शुरू हो जाते हैं, और आपका हार्मोनल इंबैलेंस ठीक होना शुरू हो जाता है। इसमें जो हम कॉमनली मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ OCPs, जो मनसूबाबंदी की गोलियाँ होती हैं। बेसिकली पेशेंट्स अक्सर परेशान होते हैं कि हम मनसूबाबंदी की गोलियाँ PCOS में किस तरह लें, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मनसूबाबंदी की गोलियाँ जो होती हैं वो काफ़ी
और चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रही होती है, जिसमें से PCO वन ऑफ देम है। और उसमें आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलर करेगा, आपकी हर्सिटिज्म को भी कंट्रोल करेगा। हर्सिटिज्म मीन्स होता है बालों की ग्रोथ को कंट्रोल करना, और एक्ने को भी कंट्रोल करेगा। तो हम 3 to 6 months ये ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं इनिशियली, और उसके बाद जो अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वी विल कंटिन्यू इट फॉर 9 months एंड ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन। दूसरी जो इसमें चीज़ होती है वो हम देते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें बढ़ जाती है, तो हम ग्लूकोफेज ऐड कर रहे होते हैं। बेसिकली ग्लूकोफेज इज़ नॉट फॉर वेट रिडक्शन, ग्लूकोफेज हम इसमें इसलिए दे रहे होते हैं कि वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और आपके हार्मोन इनसेंसिटिविटी को ठीक कर रहा होता है, तो वो हम उसके साथ ऐड कर रहे होते हैं। आजकल जो हम दे रहे हैं और जिसका बहुत इफेक्टिव रोल होता है, दैट इज़ मायोइनोसिटोल, दैट इज़ प्रेजेंट इन ए कैप्सूल फॉर्म, इन साशे फॉर्म, तो उसका भी बहुत अच्छा रोल आजकल देखा जा रहा है, और वो भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करेगा, एग्स क्वालिटी को अच्छा करेगा, और आपके हर्सिटिज्म एंड एक्ने इन चीज़ों को नॉर्मल करेगा। हर्सिटिज्म एकदम से ठीक नहीं हो रही होती है, हर्सिटिज्म के लिए आपको बेसिकली वेट करना होता है 6 to 9 months के लिए। मीनवाइल आपको मैकेनिकल टेक्निक्स लाइक आप वैक्सिंग करा सकते हैं, प्लकिंग करा सकते हैं, ब्लीचिंग करा सकते हैं, इससे आप अपनी हेयर ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आपकी मेडिसिन इफेक्टिव हो टू कंट्रोल द हर्सिटिज्म। नाउ कमिंग टू दी वुमेन हु वांट्स टू कंसीव, जिसमें बेसिकली इरेगुलर पीरियड्स की वजह होती है एनोविलेटरी साइकिल, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, तो इट्स बेटर कि पहले हमें उनकी साइकिल रेगुलर करनी चाहिए एंड उसके बाद मूविंग टू दी ओवुलेशन इंडक्शन। ओवुलेशन इंडक्शन के बाद जो है उनको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे रख के कंसेप्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगेन इट नीड्स पेशेंस, प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब इस एक साइकिल में भी हमारा नहीं हुआ, इस वक्त मैं 2 साइकिल ले चुकी हूँ, मैं 3 साइकिल ले चुकी हूँ, तो हम जो ओवुलेशन इंडक्शन इसमें कर रहे होते हैं वो 3 to 4 cycles तक कर रहे होते हैं, एंड ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए, और इन इस दरमियान में पेशेंट अक्सर प्रेगनेंट हो जाते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे आती है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट और प्रॉपर हेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो मैंने आपको बताया मायोइनोसिटोल जो मेडिसिंस होती हैं, अगर पेशेंट वो ले रहा है तो उसमें इसकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड दे कैन सक्सेसफुली कंसीव। अगर हम PCOS को ट्रीट नहीं कराते प्रॉपरली तो इसके बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज PCOS के, इट कैन एंड अप इनटू द डायबिटीज मिलाइटस, हाइपरटेंशन करा सकता है, जैसे कि 2-3 महीने तक मेंसेस अगर नहीं आएंगे तो एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म में वो आगे जाके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में भी एंड अप हो सकता है। तो इट्स बेटर टू ट्रीट दैट कंडीशन टाइमली एंड प्रॉपरली। If you want to consult me, you can consult me through Oladoc for physical consultation or online video consultation. Thank you so much. Pakistan ke top doctors ke saath appointment book karein. Woh bhi patient feedback dekhte hue. Lakhon logon ki tarah Pakistan ke sabse bade doctor network ka fayda uthaein. Aur aaj hi Oladoc app download karein. Oladoc, doctor ka appointment aasani se.